नमस्ते, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। लाइट? नो। ऑप्शन बी कोल्ड? नो।
ऑप्शन सी वेन, यस ऑप्शन डी हीट, क्या आएगा रेन, यस गुड, बिकॉज यू नो ना जो क्लाउड्स होते हैं वही तो रेन लेके आते हैं। और आज जब हमने ये यूनिट 9 के पोयम सीखी थी तब भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था। ओके फाइन, नाउ नंबर 3, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू व्हेन इट रेन्स। चिल्ड्रन क्या करते हैं रेन आता है तो, घर में जाके छुप जाते हो क्या? नो नेवर, कभी नहीं, रेन तो हमें बहुत पसंद है। ओके फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस। ऑप्शन एक बार सारे ऑप्शंस रीड कर लेते हैं ना तो हमें जल्दी से आइडिया आ जाता है कि हमें इसमें कौन सा आंसर चूज करना है, राइट? ओके फाइन, ऑप्शन ए सिंग एंड डांस, ऑप्शन बी क्राई, ऑप्शन सी स्लीप। हाँ, कोई स्लीप कर जाता है रेन के टाइम, मैं तो कभी ना करूं। ऑप्शन डी स्ट्रगल, करनी चाहिए, अच्छी बात है, स्टडी भी करनी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को सिंग एंड डांस तो बहुत ज्यादा पसंद होगा, बारिश में नहाना, वाओ व्हाट अ ग्रेट फीलिंग, राइट? ओके तो चलो हम आपका मान लेते हैं, आपने कहा है सिंग एंड डांस तो सिंग एंड डांस रख लेते हैं। ओके फाइन, सो प्लीज राइट ऑप्शन ए हियर एंड टिक मार्क ऑन ऑप्शन ए। ओके देन नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स when it is sunny. Now in this time you can see it is a hot day, sunny days hai na, so in this time jo clouds ka color hota hai wo kaun sa hota hai? Option A black, option B white, option C blue, option D red. Never red color ke cloud hota hai kya? No. So dear students, on the sunny days you can see there are some white clouds. Yes, जैसे कि अपने सनी डेज और सॉरी रेनी डेज में आपको पता है ब्लैक और ग्रे क्लाउड्स आपको दिखने को मिलते हैं। जो बारिश आने वाली होती है, रेन आने वाला होता है, वो क्लाउड्स ब्लैक होते हैं, लेकिन जो रेनी डेज में ज्यादातर आपको ग्रे क्लाउड्स ज्यादा दिखाई देंगे, राइट? लेकिन नाउ ऑन दिस डेज, ऑन सनी डेज यू कैन सी देयर आर ओनली एंड ओनली व्हाइट क्लाउड्स। ओके, so we had choose our correct option is B, white. So please write B in the box. Now last number 5, what do you see in the sky in the rainy season? On the rainy season what do you see? Option A star, option B moon, option C sun, option D rainbow. Now dear students, let me tell you, this is a quite लिटिल इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि ज्यादातर रेनी डेज में है ना अब स्टार्स भी बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरी जो स्काई होता है उस पर आपको दिखाई देगा पूरी तरफ क्लाउड्स क्लाउड्स क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, इसके कारण हमें क्लाउड कभी कभी स्टार मून दिखाई नहीं देते हैं। इवन ऑन द मॉर्निंग टाइम ऑल्सो यू कैन नॉट सी अ सन। यस, कितने कितने दिनों तक जब रेन होता है तब हमें कितने दिनों तक रेन सन दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन जब रेन खत्म हो जाती है तो रेनबो तो ऑफ कोर्स देखने को मिलता ही है। इट मींस रेनबो इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके चलो जल्दी से विद गुड हैंड राइटिंग चूज द करेक्ट ऑप्शन, टिक मार्क्स लगाने हैं और अच्छे तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है, राइट? After completing question number 2, it's time to win our next question. Are you ready? Okay, so now let's start it. So now dear students, you can see question number 3 is look at the pictures and write correct word. It means यहाँ पे जो आपको pictures है उसको आपको अच्छे से देखना है, observe करना है, and then you can choose the right option from the box. आपको जो box दिया गया है उसमें stormy, snowy, windy, क्लाउडी, सनी एंड रेन। तो जैसे कि आप पिक्चर देखोगे तभी आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हमें कौन सा वर्ड करेक्ट रखना है, राइट? ओके, सो यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर ऑफ सन, इट मीन्स सनी डेज जब होते हैं तब आपको सन दिखाई देता है स्काई में, राइट? ओके, सो वी हैव टू राइट देयर सनी। ओके एंड देन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी द
देयर इज अ क्लाउड एंड रेन ड्रॉप्स. इट मीन्स हमें रेन कब दिखाई देता है स्काई में, ऑन रेनी डेज. यस, रेनी डेज में ही हमें रेन दिखाई देता है, राइट? ओके, देन नेक्स्ट यू कैन सी देयर इज अ क्लाउड एंड सन, बट सन इज बिहाइंड द क्लाउड, वो तो कहीं छुप रहा है. इट मीन्स देयर इज अ क्लाउडी डेज. यस, यानी कि वहां पे बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं और सन भी कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है, राइट? ओके, देन ऑन द नेक्स्ट लाइन यू कैन सी देयर इज अ स्नो फॉल. वाओ, इट मीन्स इट इज अ स्नोई. नेक्स्ट देयर इज अ, यस, इट्स अ वेरी हैवी विंड. इट मीन्स इट्स अ विंडी. यस, वेरी गुड. नाउ यू कैन सी बहुत ही रेन हो रही है और थंडर जैसा दिख रहा है. क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? लुक एट दैट. यस, इट मीन्स बहुत ही तूफानी बादल है. इफ यू कैन से इट स्टॉर्मी. यस, तूफानी. ओके फाइन. देखा बच्चों, आपने कितनी अच्छी तरह से पिक्चर्स ऑब्जर्व किए और उसके करेक्ट ऑप्शंस भी चूज कर लिए बॉक्स में से और अच्छे से राइट भी तो कर लिए हैं विथ रेन राइटिंग. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 3, इट्स टाइम फॉर डूइंग आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. कैन सी क्वेश्चन नंबर 4 टेल अस दैट राइट वन वर्ड दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड्स. इट मींस यहां पे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं उसके राइमिंग वर्ड्स आपको यहां पे लिखने हैं. जस्ट यू हैव टू राइट वन राइमिंग वर्ड्स. ओके, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, यू कैन सी देयर इज अ सी डबल ओ एल, कूल. तो यहाँ पे कूल के टाइमिंग जैसा कोई वर्ड आपको फाइंड आ रहा है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फूल, एफ डबल ओ एल, फूल, राइट? ओके, देखो आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स फाइंड कर सकते हो लेकिन यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ वन राइमिंग वर्ड राइट करना है. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी देयर इज अ ड्राइव, डी आर वाई, ड्राइव. Now you have to find the rhyming word with dry. R-Y जो लास्ट में आता है ऐसा rhyming word आपको find करना है. For example, you can write cry, C-R-Y, cry. Yes, C-R-Y, cry. Okay? Now, number 3rd word is P-R-O-U-D, proud. Now you have to find the rhyming word with proud. जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो cloud, C-L-O-U-D. O U D, C L O U D, cloud, right? Okay. Next, number 4, you can see blue, G L U E, blue. Now the rhyming words I have find it, that is a blue, B L U E, blue. Fine. Okay. Next is dance, D A N C E, dance. Now please find the new rhyming word from the dance. It means you can write chance, C-H-A-N-C-E. Yes, C-H-A-N-C-E, chance. Dance, chance. Fine. Okay. Now, number 6, sing. Now you have to find sing ka rhyming word. Aap rim likh sakte ho, king likh sakte ho. Jo aapko achha lage wo likh sakte ho. R-I-N-G, ring. Okay. Next, number 7 is hot. Now you have to choose the rhyming word with hot. Pot likh sakte ho. Dot likh sakte ho. D-O-T. O-T wala. Yahan pe jo last mein O-T aata hai, waisa aapko rhyming word find karna. So I am writing here pot. So you have to write only one, okay? Next, and the last one you can see soon. S-O-O-N, soon. Now you have to find out the rhyming word with it, right? You can write, for example, moon, M-O-O-N, moon. M-O-O-N, moon. Double-O-N, last mein aana chahiye. Isi ke toh kehte hum rhyming words, same sound wale words. Aise toh bahut saare rhyming words ho sakte hain. Sabke different rhyming words hote hain. ऐसा कोई नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है एग्जाम्पल में वही आपको लिखना है. आप अपनी तरह से भी बहुत अच्छे राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए डोंट वरी अबाउट.
मैचिंग नहीं हो रही यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, आपने जो लिखा होगा वो राइट ही होगा, लेकिन प्लीज बी केयरफुल दैट इट विल हैव टू बी अ राइमिंग वर्ड, सेम साउंड वाले वर्ड्स होने चाहिए, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्कशीट नंबर 7. आई होप यू एंजॉय दिस ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. प्लीज फिल अप ऑल द आंसर्स इन योर फेयर बुक एंड प्लीज कंप्लीट ऑल योर होमवर्क एंड सबमिट इट. आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क, राइट? ओके फाइन, वी विल मीट सून विद न्यू वर्कशीट ऑन न्यू वीडियो. थैंक यू एंड एंजॉय योर स्टडीज. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.